3, 2, 1। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंधर्व वत्स। आज आप सभी को बताने वाले हैं बेस्ट डिजिटल बोर्ड इन 2023 और 24। ठीक है, यदि आप भी सोच रहे हैं डिजिटल बोर्ड लेने के लिए तो आपका भाई खड़ा है यहाँ पे और आपको बताने वाला है बेस्ट डिजिटल बोर्ड कौन सा है। ठीक है, और कई सारा कंपनी है। देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ कंपनी का नाम जो है यहाँ पे लिख लिए हैं। पहला नंबर में आ रहा है LG। ठीक है, ये नंबर ये नहीं है जो ये सबसे बेस्ट है, ये रखे हुए हैं यहाँ पे, नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर है BenQ, फिर आपका मेक्सब है, इवोटा है, बेंचमार्क है, न्यू लाइन है और कई सारा कंपनी है, लेकिन मार्केट में अभी ये जो है कंपनी ज्यादा रन कर रहा है। तो आपको सबसे पहले बता दे, यदि आप लोग डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सभी को दो से तीन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ध्यान आपको यह रखना चाहिए आप किस चीज के लिए डिजिटल बोर्ड लेना है। ठीक है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे सपोज दैट हमको डिजिटल बोर्ड लेना है, मेरा रिक्वायरमेंट है एज अ मैथ टीचर। हम जो है मैथ टीचर है, हम क्या कर रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं। अब मैथ पढ़ा रहे हैं, पहला हमारा रिक्वायरमेंट जो है पूरा हो चुका है, हम मैथ पढ़ा रहे हैं। फिर दूसरा रिक्वायरमेंट क्या चीज है, जो आप मैथ तो पढ़ा रहे हैं, मैथ में भी किस कंपटीशन वगैरह के लिए पढ़ा रहे हैं। यदि उसके बाद फिर दूसरा आता है आपका साइज मैटर करता है, आप कितना फिट के हैं। जैसे कि मेरा ये साइज की बात की जाए तो हम 6 फीट 6 इंच के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए मेरे साइज की यदि बात की जाए यहाँ पे, तो 86 इंच का जो है डिजिटल बोर्ड चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ 75 इंच का इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि और सारे हमारे फ्रेंड हैं जो कि वीडियो वगैरह बनाते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो है साइज दिया गया है, लेकिन इसको जो माउंट किया गया, मतलब ये जो दीवार पे इसको लगाया गया है, वो मेरे साइज के अनुरूप लगाया गया है। समझ रहे बातों को। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ाने वाले हैं इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए डिजिटल बोर्ड जो है ये 75 इंच का हमने रखा है यहाँ पे। अभी डिजिटल बोर्ड का साइज की यदि बात आपको बता दें, एक आता है 65 इंच का, ठीक है, एक आता है 65 इंच का, फिर दूसरा क्या आता है 75 इंच का आता है, तीसरा 86 इंच का आता है। ठीक है, तीसरा जो है 86 इंच का आता है, इससे बड़ा भी आता है, लेकिन आपका 86 जो है इनफ है। ये तीन डिजिटल बोर्ड जो है लोग ज्यादा लेते हैं, 65 ज्यादा वो लेते हैं, वो टीचर लेते हैं जो कि अपना स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं या जो MCQ क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, जो MCQ क्वेश्चन करवाते हैं उसके लिए ये 65 इंच का है। अब ब्रांड पे यदि जाते हैं तो किसी को बेस्ट आप नहीं बता सकते हैं, कोई भी ब्रांड को बेस्ट नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब LG जो है अपना खुद का एक ब्रांड है, BenQ भी खुद का ब्रांड है, मेक्सब भी खुद, सब जो है अपना खुद का ही ब्रांड है, समझिए। तो ठीक है, इसमें कोई भी जो है ये नहीं है जो BenQ को कह देगा अच्छा है, या LG को कह देगा खराब है, या कोई मेक्सब को खराब कह देगा और बेंचमार्क को ठीक कह देगा, कोई किसी को ठीक नहीं बता सकता है। सिस्टम की यदि बात की जाए तो सब में जितना भी है फंक्शन वगैरह वो लगभग सब में सेम है। अब डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। ठीक है, मेन जो है प्राइस, ठीक है, मेन क्या करता है, प्राइस जो है मैटर करता है। LG और BenQ का है जो ये लगभग प्राइस आपका 75 इंच का 2+ आपका ये करेगा, 2 लाख+ जाएगा। मेक्सब की यदि बात की जाए तो ये भी प्राइस में आपका जो है लगभग, ये वेंडर पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका भी समझिए तो OBS लगा के जो है, सिर्फ OBS ने OPS लगा के, ठीक है, 2+ जाएगा, OPS बोले। ठीक है, समझ रहे थे, इस टाइप से इसका प्राइस वेरी करता है सब, और ये सब जो है सबका जो है प्राइस इसी टाइप से है, लगभग नीचे है। तो ये जो है किसी को कोई बेस्ट नहीं बता सकता है, लेकिन लेने से पहले आपको मार्केट में यह रिसर्च करना है आप किस चीज के लिए ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया आप किस चीज के लिए ले रहे हैं, उसके बाद आपका साइज मैटर करेगा, आप जिस भी चीजों के लिए ले रहे हैं उसके बाद साइज मैटर करेगा। और बेस्ट कोई भी बेस्ट नहीं होता है, सब में फंक्शनलिटी सेम है, जो ज्यादा अच्छा सर्विस देता है, जो वेंडर ज्यादा अच्छा सर्विस देता है उससे लेना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यदि आपको डिजिटल बोर्ड लेना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, या आप नंबर लिख लीजिए 99, ठीक है, 9973725719, आपका ये नंबर है, इससे आप कांटेक्ट करके डिजिटल बोर्ड वगैरह ऐप वगैरह के बारे में कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम लोग का टीम है, एक टीचर को जो भी चीज़ का जरूरत है, एक डिजिटल बोर्ड का है, एक डिजिटल क्लासरूम का है, ऐप का है, वेबसाइट, एनीथिंग जो भी जरूरत है वो हम लोग पूरा करते हैं। ठीक है, ये नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं और कोई भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको जैसा कि पता चल गया कोई भी बेस्ट नहीं है, सबसे पहले आप ये देखिए कौन सा वेंडर सबसे अच्छा, ठीक है, सर्विस दे रहा है। सपोज दैट आप LG का ही ले लेते हैं, LG आपका, ठीक है, डेली आप लाइव क्लास करा रहे हैं, ठीक है, डेली आपका लाइव क्लासेस YouTube पे चलता है या अपना आपका एप्लीकेशन पे चलता है, और आप LG का ले लिए, वहां पे आपको सपोज दैट सपोर्ट ही नहीं कर रहा है वो, ठीक है, सोचने वाली बात है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, 2 से 3 दिन आपका क्लास जो है बंद रह रहा है, उसी में तो आपका फिर नीचे चले जाइएगा, जान ही रहे हैं ऑनलाइन में कितना कंपटीशन है। एक दिन यदि क्लास आप नहीं लेते हैं तो दूसरा दिन कोई टीचर ले रहा है आपका, कंपटीटर जो भी है। तो इस टाइप से आपको ध्यान देना है, जो भी जिसका सर्विस बेस्ट है वो बोर्ड आप लोग चूज कीजिए, हर एक बोर्ड जो है सही है,
आप अपने प्राइस पे डिपेंड करिए, ठीक है। जैसे आप 2 लाख से यदि प्लस आप लोग जाना चाहते हैं तो इसका फिर देख लीजिए, कुछ कुछ रिव्यू पे देखिए, ठीक है। और आपके जो भी साइड में, जैसे सपोज दैट आप बिहार से हैं, तो बिहार में देखिए किस ब्रांड का कोई टीचर यूज किए हैं, तो वो टीचर से यदि आप फीडबैक लीजिएगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए आप कोई भी ब्रांड का लेना चाहते हैं तो हमें कंटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा टीम जाएगा, आपको A to Z इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ करके देगा। और कोई भी चीज के लिए आपको परेशानी है, यदि आप एडुकेटर हैं तो आपका टेक्निकल पार्टनर हम लोग हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।